हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे थे एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं लास्ट क्लास में डिस्कशन किया हुआ था अध्याय 2 से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज की इस क्लास में पुनः मैं दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो बस आइए और मेरे साथ जुड़ जाइए और आज की सेशन का आनंद उठाइए। आ जाओ, तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैं पढ़ाता हूं कक्षा दसवीं विषय गणित को। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, अध्याय दो, दो चरों का रैखिक समीकरण, और ये होने वाला है भाग दो। भाग एक में हमने दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था, भाग दो में पुनः दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो बस बच्चों आ जाइए और आज के सेशन को देखते हैं। देखिए तो पेन और कॉपी बिल्कुल खोलकर बैठ जाइए। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक तीन। प्रश्न क्रमांक दो के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिए थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीन को और समझते हैं कि हमें क्या बोला गया है और हमें क्या निकालना है। आ जाओ, बिल्कुल भाई आपके पास पेन और कॉपी होनी ही चाहिए, क्योंकि एक योद्धा की पहचान क्या है, उनका हथियार, और आपकी पहचान क्या है, आपका पेन और कॉपी। तो बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हर एक चीज एकदम नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए तो प्रश्न यह बोल रहा है कि एक थैले में, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। मतलब कि एक थैला है, उसमें 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, 94 सिक्के हैं। कितने कितने सिक्के हैं यह हमें पता नहीं है, टोटल 94 सिक्के हैं और दो ही प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो यहां तक की बात तो क्लियर है सर, आगे की कहानी सुनिए। फिर आगे बोलता है कि यदि थैले में टोटल यानी कि कुल 29.50 रुपए है, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक थैला है, उस थैले में दो ही प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। टोटल सिक्के कितने हैं, तो 94 सिक्के हैं। तो सिक्कों के अगर हम मूल्य के बारे में बात करें, टोटल अगर रुपए के बारे में बात करें, टोटल अगर हम अमाउंट पूछें, तो कितना रुपए है, 29.50 रुपए है। यहां तक की कहानी क्लियर है। और हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला है कि 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या को हमें ज्ञात करना है, यानी कि उस थैले में 25 पैसे के और 50 पैसे के कितने कितने सिक्के हैं, दोनों को अलग अलग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर हम ये करेंगे, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और हमें दो समीकरण मिलने वाले हैं, दोनों समीकरण को हल करेंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आ जाओ, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां पर मैंने लिखा हल, चलो बताओ अब क्या करेंगे। तो हम अपने आंसर की शुरुआत कहां से करेंगे, जो हमें ज्ञात करना होता है वहीं से करते हैं। तो हमें 25 पैसे और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या को ज्ञात करना है, तो इसी को मैं पहले मान लूंगा, माना 50 पैसों के तथा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। हर एक पॉइंट को अच्छे से मन बच्चों, ठीक है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्रमशः एक्स तथा वाई है। क्रमशः देख लीजिए, ये उदाहरण क्रमशः एक्स तथा वाई है, यानी कि उस थैले में 50 पैसों की सिक्कों की संख्या एक्स तथा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, वाई है। टोटल अगर सिक्के पूछे तो कितना है, 94 है। तो इसी बात को अब मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, कैसे लिखूंगा, तो यहां पर मैंने लगाया प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार पहली लाइन में क्या बोला था, कि क्या बोला था हमें कि 25 पैसे और 50 पैसे दोनों टोटल कितने सिक्के हैं हमारे पास, 94 सिक्के। और हमने मान लिया कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 100 है तथा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या वाई, टोटल सिक्के यानी कि हमें प्लस करना पड़ेगा, कितने रुपए हैं, कितने सिक्के हैं, एक्चुअली में कितने सिक्के हैं, 94 सिक्के हैं। तो यहां पर मैंने लिखा 94। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या। चलो इसको हम बिना किसी देरी के समीकरण एक नंबर दे देंगे। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर एक, पहली लाइन को पढ़ा और हमें पहला समीकरण मिल चुका। ठीक है सर, आ जाओ फिर मैं अब दूसरे लाइन को पढ़ने जा रहा हूं। यदि थैले में कुल 29.50 रुपए है, देखो बच्चों टोटल अगर आपको सिक्का पूछा है तो कितना है, 94। टोटल अब अमाउंट यहां पर दे दिया गया, रुपए दे दिया गया, तो 29.50 रुपए है। अब इस बात को हम फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार।
ठीक है, इस लाइन को अच्छे से समझना क्योंकि इसी में मेन खेल है। अगर इस लाइन को आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, पूरा 80% काम आपका हो जाएगा इस लाइन में। अच्छे से यहां पर समझना। देखो तो देखो, थैले में टोटल अगर रुपए पूछे तो कितना रुपए है, 29.50 रुपए। यहां तक की बात तो क्लियर है सर, ठीक है। और देखो, अब उस थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के ही सिक्के, दो ही प्रकार के सिक्के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या को हमने माना हुआ एक सौ और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या को हमने माना हुआ वाई। अब बच्चों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं। देखो मान लो आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने 5 रुपए के सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, मान लो आपके पास 10 सिक्के हैं, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 50 रुपए हो जाएंगे। 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50 रुपए। यानी कि आपने इसको निकाला कैसे, आपके पास जितनी संख्या में थी सिक्कों की संख्या उसका गुणा कर दिए कि आपके पास कितनी कितना रुपए का मतलब की सिक्का है आपके पास। तो 5 रुपए के सिक्के थे हमारे पास, कितने थे, 10 थे, दोनों को मैंने गुणा किया तो 5 रुपए के आपके पास कुल कितने रुपए हो गए, 50 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों हमने 50 पैसों की सिक्का को माना हुआ है 100, ठीक है भाई, 50 पैसों की सिक्का को हमने क्या माना हुआ, 100 माना हुआ है। और 50 पैसे अगर मुझे टोटल निकालना है, टोटल 50 पैसे के कितने रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस 100 में मैं 50 का गुणा कर दूंगा, जैसे कि यहां पर किया था उसी प्रकार से इसको भी मैंने कर दिया। यहां तक की कहानी अगर क्लियर है तो आगे का काम बन जाएगा, ठीक है। तो उस थैले में 50 पैसों का कुल मूल्य कितना रुपए हो जाएगा, 50 100 हो जाएगा। कितना बच्चों, 50 100 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा 50 100, यहां दस बजा गया। फिर क्या था, उस थैले में 25 पैसे के भी सिक्के थे, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना हुआ था, वाई। तो उस थैले में 25 पैसे के कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो 25 का गुणा आप किससे कर दोगे, वाई से कर दोगे, ठीक है। तो हमें 25 पैसों के कुल कितने रुपए हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा 25 वाई, ठीक है। तो टोटल हमें यहां पर अमाउंट दिया गया था 29.50 रुपए, तो दोनों को जोड़ेंगे बराबर, टोटल कितने रुपए हैं, तो 29.50 रुपए। अब यहां पर रुकना और थोड़ी देर सोचना, यहां पर जो हमने निकाला हुआ था ना वो किसमें आया हुआ, पैसों में आया हुआ है। यहां पर अगर मैं पूछूं तो ये रुपए में आया था क्योंकि हमने 5 रुपए के सिक्के लिए हुए थे, यहां पर 50 पैसे के सिक्के लिए थे, यानी कि इसका जो मान आया था वो पैसे में आया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, रुपए में दिया, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, रुपए को हम पैसे में चेंज करेंगे, रुपए को बच्चों पैसे में हम चेंज करेंगे। और हमें अच्छे से पता है कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, रुपए को चेंज करूंगा पैसे में, तो 29.50 रुपए को अगर हम पैसे में चेंज करेंगे तो 100 से कर देंगे गुणा, तो हमें मिल जाएगा 29.50 रुपए मिल जाएगा। कितना, 29.50 रुपए मिल जाएगा। ये लाइन अच्छे से क्लियर हो गया क्या, 29.50 रुपए नहीं है, ये पैसे है, क्या है, पैसे है, ठीक है। अगर रुपए पूछे तो 29.50 रुपए है, और टोटल पैसे पूछ लेंगे तो 29.50 पैसे हो जाएंगे, ठीक है सर। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सॉल्व करते हैं। यहां से देखो, यहां से 50 को मैं लिख सकता हूं 25 गुना 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां 25 है, यहां भी 25 आ जाएगा, दोनों जगह से हम 25 को निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। 50 को हमने क्या लिखा था, 25 गुना 2, 25 को मैंने निकाला कॉमन, तो क्या बचा है, 2 बचा है, और साथ में ये 100 भी बचा हुआ है, प्लस है तो प्लस लगाया मैंने। यहां पर यहां का 25 को मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर केवल बच चुका है वाई, ब्रैकेट ऑफ किया, और यहां पर क्या मिल गया, 2950 पैसे, ठीक है सर। यहां तक की बात क्लियर है। अब गुणा वाला जाता है भाग में, आपको अच्छे से पता है, तो ये हो जाएगा 2x + y = 29.50 ये आ चुका 25, क्या आ चुका, 25 आ चुका। तो 2950 को अब हमें भाग देना है 25 से, आज भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, इसको मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 4 अभी भी बचा हुआ, 4 यहां पर आ जाएगा, फिर से देखो 25 एकम 25 हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना बचा हुआ, 35 और ये 20 बचा हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, अगर 25 को मैं 2 से भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 118। अगर आपको कटाने नहीं आ रहा होगा तो 2950 को आप 25 से भाग दे दोगे तो आपको मिलेगा 2x + y = 118। अगर मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे दूं तो क्या बुराई है,
क्या दिक्कत है बताओ। समीकरण नंबर हमने इसको दे दिया दो, दो समीकरण हमें मिल चुके हैं और दोनों समीकरणों को हल करने का मैंने आपको तीन मेथड के बारे में बताने वाला हूं। दो मेथड के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में। एक और आता है आपका आलेख विधि, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो मेथड के बारे में बताया था समीकरणों को हल करने का, प्रतिस्थापन और विलोपन। दोनों का फिर से हम रिवीजन करने वाले हैं। जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं ना, उसमें मैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करूंगा और क्वेश्चन नंबर जब मैं 4 में आऊंगा तो उसको मैं विलोपन विधि से सॉल्व करने वाला हूं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम करते क्या है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम ये करते हैं कि एक चर का मान निकालते हैं, किसी भी समीकरण से हम एक चर का मान निकालते हैं, उसको दूसरे समीकरण में रख देते हैं तो वहां से हमें एक चर का मान मिल जाता है आसानी से। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं समीकरण एक को लूंगा और वहां से एक चर का मान निकालूंगा, चाहे तो x का मान निकालो चाहे तो y का मान निकालो। चलो आ जाओ, तो हम दोनों समीकरणों को हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का दम है। यहां तक तो ये पहला क्वेश्चन था, उसके बाद क्या होता है कई बार आपको प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन कथन के रूप में नहीं दिएगा आपको, सीधा सीधा दो प्रश्न दे दिए जाएंगे, दो समीकरण दे दिए जाएंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 94 और सेकेंड समीकरण 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 118। दो समीकरण दे देंगे, दोनों को आपको बोल देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको इसको भी समझना पड़ेगा। चलिए अब दोनों समीकरणों को मैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाला हूं। तो आ जाइए देखो, अब ये हो जाएगा समीकरण एक से। चलो समीकरण एक से क्या करूंगा मैं, देखो समीकरण एक से, तो समीकरण नंबर एक हमारा क्या था, तो समीकरण नंबर एक था हमारा x प्लस वाई। चलो एक बार और लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये था 94। मैं यहां से ना x का मान निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा 94 प्लस y को मैं इधर भगाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई। x इज इक्वल टू हमें मिल चुका 94 माइनस वाई। अब x का मान हम समीकरण नंबर दो में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं x का मान समीकरण दो में रखने पर, x का मान समीकरण दो में रखने पर। चलो रख देते भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण दो में रखने पर। देखिए समीकरण दो में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो समीकरण नंबर दो हमारा क्या, चलो ढूंढो, ये है हमारा समीकरण नंबर दो। तो दो के बाद है गुणा में एक सा, तो पहले मैंने दो को लिखा, अब गुणा में था एक सा और यहां पर एक सा का मान हमने निकाला हुआ है 94 माइनस वाई। समझ में आ गया क्या, मैंने क्या किया है समीकरण दो में एक सा का मान रख दिया, प्लस के बाद क्या था वाई। चलो इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 118 है तो ये हो जाएगा 118। चलो इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो दो का गुणा मैं करूंगा 94 के साथ, तो दो का गुणा करेंगे 94 से, तो दो का गुणा मैंने किया पहले 4 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी हो जाएगा 18, 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी कि हमें मिल चुका 188। फिर दो का गुणा करेंगे हम माइनस वाई से, तो माइनस 2y, फिर हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 118। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो पहले मैं यहां पर किसको सॉल्व करूंगा, यहां पर मैं इस y वाले पद को पहले सॉल्व कर रहा हूं, फिर 188 को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा। तो 2y में हम 1y को घटाएंगे, हमें क्या मिलेगा 1y मिलेगा, मतलब कि y मिलेगा। अब बारी आती है कि सर हम चिन्ह किसका लगाएं, तो देखो यहां पर 1y था और यहां पर 2y था, 2y जो है 1y से बड़ा है और 2y के सामने में ऋण का चिन्ह है, तो यहां पर माइनस वाई आएगा, यह बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर 118 को मैंने अपनी जगह पर लिखा, 188 को हम लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 188। क्या हो जाएगा, ऋण 188 हो जाएगा। यहां तक की भाई बात क्लियर है सर। अब ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 118 में 188 को घटाने वाले हैं, तो हम बड़े में छोटे को घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए इसको रब में आपको घटा के बताता हूं। ठीक है, तो 188 188 में हम 118 को घटाने वाले हैं, तो देखो 8 में 8 गए तो ये हो जाएगा 0, 8 में जब हम यहां पर 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0 का 1 में 1 गए तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमें मिल चुका ऋण 70। ऋण में क्यों आया, क्योंकि 118 से बड़ी संख्या 188 और 188 के सामने में ऋण का चिन्ह, इसलिए यहां पर ऋण का चिन्ह लगा दिया मैंने। चलो यहां पर ऋण है और यहां पर भी ऋण है, दोनों जगह से ऋण चिन्ह गायब हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमें मिल चुका 70। y इज इक्वल टू क्या मिल चुका, 70 मिल चुका, और y को हमने क्या माना हुआ था, y को हमने माना हुआ था 25 पैसों की सिक्कों की संख्या, यानी कि पहला हमें उत्तर मिल चुका है कि उस थैले में 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 70 है, 70 है। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात समझ में आ गई, और टोटल हमारे पास कितने थे 94। अगर आपको 50 पैसे का पूछे गए तो आप कैसे निकालोगे, उस 94 में
आप 70 को हटा दोगे मिल जाएगा 24, यानी कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 24 है, ये हमें पता चल जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो हम क्या करेंगे पता है, चलो इसको इसी जगह बता दूंगा मैं, पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो यहां पर मैंने एक लाइन बना लिया, ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ सबके सब इधर देखो। हाँ बताओ अब क्या करेंगे, देखो तो y बराबर आ चुका 70, यानी कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या है 70। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, वहां से हम x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण, चलो मैंने रख दिया एक में, समीकरण एक में रखने पर, चलिए फिर रख देते हैं समीकरण एक में रखने पर, देखो तो y का मान जब हम समीकरण एक में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये था हमारा समीकरण नंबर एक, ये हो जाएगा x प्लस y, y का मान हमने निकाला हुआ 70, बराबर के बाद क्या था 94, तो बराबर के बाद ये हो गया 94, x इज इक्वल टू 94 को मैंने लिखा, ये 70 इधर जाएगा तो ये माइनस 70 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 94 में हम अगर 70 को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 24, x बराबर मिल चुका 24, यानी कि उस थैले में 25 पैसों की संख्या, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 70 तथा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है 24 रुपए, ये 24 रुपए नहीं 24 सिक्के हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों इतना खूबसूरत राइटिंग बना के लिखना है ताकि चेक करने वाला भी एक नंबर ना काट पाए, पूरा पूरा आपको एक एक स्टेप को फॉलो करके इसको लिखना है। हमें एक्स और वाई का मान निकालना था, हमने एक्स और वाई का मान बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब इतना कर लिए हैं तो एक लाइन लास्ट में अपने आंसर को लिखने में दिक्कत क्या है, नहीं दिक्कत क्या है, आ जाओ लिख देते हैं। अतः थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, के सिक्कों की संख्या कितना है 24 तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 70 है, कितना बच्चों 70 है, ये हमारा हुआ कंप्लीट आंसर। लास्ट लाइन में आपको लिखना है ये आंसर, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, इसी में एक नंबर आपको मिलने वाला। अगर ये लिखना आपने भूल गया तो पूरा, अगर आपने सॉल्व अभी भी किया है तो आपका एक नंबर कट जाएगा, तो पूरा पूरा आपको आंसर देखना, कंप्लीट आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने सॉल्व किया है उसी प्रकार से इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न को आपने अपने कॉपी में बिल्कुल नोट डाउन किया होगा और मेरे साथ साथ आपने भी प्रैक्टिस किया होगा। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4, ठीक है चलो आ जाओ। तो यहां पर क्या बोला है, दो अंकों वाली एक संख्या का सात गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न जो है वह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2016 सेट ABC तीनों सेट में पूछा गया था, चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है वो तीनों सेट में पूछे जाते हैं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ 2019 सेट ABC में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ज्यादा सरल होने वाला है, आ जाओ। चलिए तो यहां पर मैं इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बेसिक देखो, जब भी हम यहां पर दो अंकों वाली संख्या लिखते हैं ना तो उसमें 10 छुपा होता है। दो अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, ये 10 से स्टार्ट होती है सर। तो दो अंकों वाली संख्या में देखो यहां 10 है तो 10 में 10 छुपा ही है, 10 ही है, तो ठीक है यहां तक बात क्लियर, ठीक है। 11 में भी 10 होता है, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं, यानी कि 11 में भी 10 छुपा हुआ है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 19, ठीक है 19, अब इसमें 10 कैसे है, तो हम 19 को कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 - 19, यानी कि 19 में भी 10 छुपा हुआ है, ये बात भी क्लियर है सर। चलिए कुछ और लेकर देखते हैं, चलो अब की बार मैंने लिया 93 सर, अब इसमें 10 कहां पर दिख रहा है, तो अभी भी आपको यहां पर 10 दिखेगा, कैसे देखो 93 को हम लिख सकते हैं 90 - 3, ऐसा लिख सकते हैं 90 - 3 लिख सकते हैं। अब हम 90 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 को मैं लिख सकता हूं 9 - 10,
दसनिया कितना होता है 90 होता है, फिर यहां पर मैंने लगाया धन 3 यानी कि 93 में भी देखो 10 है, 93 में भी क्या है 10 है, यानी कि जब भी अब दो अंकों वाली संख्या लिखते हो तो उन संख्या में 10 छुपा ही होता है, ये डन रहता है सर, ठीक है। तो दो अंकों वाली संख्या को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है 10x plus y, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो अंकों वाली संख्या को लिखने का। अगर मुझे यहां पर लिखना रहेगा 10, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह रखूंगा 1, x की जगह मैंने रखा 1 तो 10 गुना 1 हो जाएगा, और y की जगह मैंने रख दिया 0 तो मुझे मिल जाएगा 10, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मुझे लिखना है 94, क्या लिखना है 94 लिखना है, तो इसी जगह मैं 94 लिख दूंगा, कैसे देखो, यहां पर देखो 10 को मैंने अपने एज इट इज लिखा, x की जगह मैंने लिख दिया, चलो x की जगह मैंने लिख दिया 9, तो यहां पर अब कितना हो गया है 10 गुना 9 90 मिल चुका, हमें लिखना कितना है 94, तो इसमें हम 4 भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94, यानी कि दो अंकों वाली संख्या को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 10x plus y हो जाएगा। सभी दो अंकों वाली संख्या को हम इसी रूप में लिख सकते हैं, ये मैंने क्यों बताया ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, चलो ये समझ में आ गया, चलो यहां से मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ अब अपने सॉल्यूशन में आ जाओ, देखो तो यहां पर हम लिखेंगे हल, देखो तो यहां पर ये बोला था कि दो अंकों वाली एक संख्या और दो अंकों वाली संख्या का लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, इसको हमने सीख लिया है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या, हमें देखो हमें ज्ञात क्या करना है, वह संख्या ज्ञात करना है, तो हमें दो अंकों वाली वह संख्या ज्ञात करना है, तो दो अंकों वाली संख्या में एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, तो दोनों को हम मान लेंगे, माना दो अंकों वाली संख्या में इकाई अंक, चलो इकाई अंक को मैं मान लेता हूं, क्या मान लू इकाई अंक को, यहां पर मैंने मान ले चलो एक से मान लिया, एक से नहीं वाई मान लेता हूं, इकाई अंक वाई तथा दहाई अंक, तथा दहाई अंक एक से है, उल्टा भी मान सकते थे, इकाई अंक को आप एक से मान सकते थे और दहाई अंक को वाई भी मान सकते थे, आपका आंसर सेम आता, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है, दो अंकों वाली संख्या में इकाई अंक को हमने मान लिया वाई और दहाई के अंक को हमने मान लिया एक से, और एक से और वाई का मान हमें ज्ञात करने रहेगा, ठीक है सर। चलिए आ जाइए, तो पहले हमने क्या बोला था कि दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना, तो पहले हम दो अंकों वाली संख्या को लिख लेते हैं, अतः दो अंकों वाली संख्या है, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं, अतः दो अंकों वाली संख्या है, अतः दो अंकों वाली संख्या बराबर, दो अंकों वाली संख्या को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, तो मैंने आपको सिखा दिया है 10x plus y है, 10x plus y है, यहां तक की कहानी क्लियर है, कैसा है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। फिर क्या बोला था कि दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या यह है 10x plus y, एक संख्या का 7 गुना, ठीक है, इसका 7 गुना करेंगे, फिर बोला है दो अंकों वाली संख्या को पलटने पर, यानी कि हम इसको संख्या को अंकों को पलट देंगे, इसके अंकों को पलट देंगे, y को मैं यहां पर लिख दूंगा x की जगह और x को मैं y की जगह लिख दूंगा, तो मैं अब लिख दूंगा पलटने पर बनने वाली संख्या, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या। चलिए हम अंकों को पलटने जा रहे हैं, इकाई की जगह दहाई को और दहाई की जगह इकाई को लिखने जा रहे हैं, तो 10 तो अपनी जगह पर लिखाएगा, एक से की जगह मैं ये वाई को चिपका दूंगा, प्लस है तो प्लस, वाई की जगह हम किसको लिख देंगे, एक से को लिख देंगे, तो ये था हमारा दो अंकों वाली संख्या और ये नीचे में क्या है, पलटने पर बनने वाली संख्या है, ठीक है। वापस अपने प्रश्न पर चलते हैं, तो दो अंकों वाली एक संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या ये हमारा का 7 गुना, यानी कि इसका 7 गुना जो है अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या, अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या यह है कि 4 गुने है, इसका हम 4 गुना कर देंगे और दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम यहां पर लगाएंगे प्रश्नानुसार, आ जाओ, तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार, यहीं पर खेल रहता बच्चों, इसी लाइन को आपको समझना रहता है। तो प्रश्न में बोला था दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, दो अंकों वाली संख्या को लिखने का फॉर्मेट ये होता है, इसका हम कर देंगे 7 गुना, तो ये हो जाएगा 10x plus y, 7 गुना बोला है तो मैंने यहां पर 7 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोला था,
पलटने पर बनने वाली संख्या के चार गुने के बराबर है। तो बराबर है तो सबसे पहले मैंने यहां पर बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो पलटने पर बनने वाली संख्या क्या है, टेन वाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स। इसके कितने गुना के बराबर है, चार गुना के बराबर है। तो यहां पर आपको चार को लिख देना है। ये लाइन अगर क्लियर है तो पूरा आपका 60% काम हो चुका है। ठीक है, चलो इसको अब हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो सात का गुणा करूंगा मैं दस से, तो सात दूनी सात दाम, ये हो जाएगा सत्तर एक्स प्लस सात का गुणा करेंगे y से, तो ये हो जाएगा सात वाई बराबर चार का गुणा करेंगे दस से, तो ये हो जाएगा चालीस वाई। फिर यहां पर चार का गुणा करूंगा मैं एक्स से, तो ये हो जाएगा चार एक्स। यहां तक की भी कहानी क्लियर है सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, आगे हल करते हैं। आ जाओ इसको कैसे आगे हल करेंगे, देखो तो आगे मैं अब इसको हल करने जा रहा हूं। क्या करेंगे, देखो सबको एक तरह पक्षांतर कर लेंगे। तो पहले मैं एक्स वाले पद को लिखा सत्तर एक्स, फिर इसको चार एक्स को इधर लाऊंगा, तो ये अभी धन में था तो इधर आकर ऋण चार एक्स हो जाएगा। फिर क्या था, प्लस सेवन था, तो प्लस सेवन वाई को मैंने लिखा। फिर चालीस वाई को मैं इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा ऋण चालीस वाई बराबर के बाद बच जाएगा जीरो बच जाएगा। यहां तक बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, सत्तर एक्स में हम चार एक्स को घटाएंगे तो हमें मिलेगा छियासठ एक्स। अब देखो चालीस में हम सत्तर सात घटाएंगे तो हमें मिलेगा तैंतीस। चालीस जो है वो सात से बड़ी संख्या है, तो चालीस के सामने में ऋण का चिन्ह, तो यहां पर भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा। ये हो जाएगा तैंतीस वाई बराबर जीरो। यहां तक की बात भी क्लियर है सर। ठीक है, अब देखो छियासठ को हम लिख सकते हैं तैंतीस गुना दो। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि यहां पर तैंतीस आ जाएगा और यहां पर भी तैंतीस आ जाएगा, दोनों जगह से हम तैंतीस को निकाल लेंगे कॉमन। तो मैंने तैंतीस को कॉमन निकाला, तो छियासठ को हमने लिखा था दो गुना तैंतीस, तैंतीस को मैंने कॉमन निकाला, तो दो के साथ में एक से भी बचा हुआ माइनस, तो माइनस तैंतीस को हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर बच गया वाई बराबर जीरो। ठीक है, अब 33 जो गुणे में है वो जाएगा भाग में, तो शून्य के भाग में जाएगा, तो शून्य के भाग में अगर कुछ भी रहेगा उसका मान हमेशा शून्य ही होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू जीरो। चलो इसको हम देते हैं समीकरण नंबर एक। हमें समीकरण एक मिल चुका, पहली लाइन को हमने अच्छे से पढ़ाया, अच्छे से समझा और हमें एक समीकरण मिल चुका। यहां तक की बात क्लियर है सर। फिर दूसरे लाइन में हम आते हैं, फिर बोला था कि तथा संख्या के अंकों का योग तीन है, तथा संख्या के अंकों का योग तीन है, और हमने इकाई के अंक को माना हुआ था y और दहाई के अंक को हमने माना हुआ था x, यानी कि दोनों अंकों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तीन मिलेगा। तो पुनः प्रश्नानुसार मैं करूंगा, देखो यह हो जाएगा पुनः प्रश्नानुसार। चलिए बताइए पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, दोनों अंकों को हम जोड़ने वाले हैं, दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल चुका तीन। चलो इसको नंबर दो, समीकरण नंबर दो, दो हमें समीकरण मिल चुके हैं। दो समीकरणों को हल करने के तीन मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और आलेख विधि। प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, आज की इस क्लास में भी बताया था, इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता दिया था। विलोपन विधि के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं विलोपन विधि में हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरणों को कभी जोड़कर तो कभी घटाकर समीकरण का हल निकालते हैं। अगर मैं दोनों समीकरणों को जोड़ दूंगा तो यहां पर ऋण y और यहां पर y दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल एक चर बच जाएगा जो कि क्या है, x है, और वहां से हम x का मान निकाल लेंगे। तो मैं करने क्या वाला हूं, दोनों समीकरणों को मैं जोड़ने वाला हूं। तो समीकरण एक धन दो से दोनों समीकरणों को हम जोड़ने वाले हैं। आ जाओ जोड़ देते हैं। तो समीकरण नंबर एक हमारा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, समीकरण नंबर दो हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू तीन है। दोनों समीकरणों को हम जोड़ने वाले हैं, यहां पर चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, घटाते तो नीचे वाले का चिन्ह हो जाता है परिवर्तित। ये ऋण वाई और ये धन वाई दोनों आपस में कैंसिल, 2x प्लस x यहां पर ये हो जाएगा 3x, तो शून्य धन तीन ये हो जाएगा तीन, तो x बराबर x के साथ जो तीन गुणा में है वो जाएगा भाग में, तो तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, x बराबर हमें मिल चुका है एक, x बराबर क्या मिल चुका है, एक मिल चुका है। और x को हमने क्या माना हुआ था, x को हमने माना हुआ था दहाई अंक, अतः उस संख्या का हमें दहाई अंक पता चल चुका। यहां तक की बात क्लियर है सर। हमें y का मान और निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। चलो तो बताइए किस समीकरण में रखेंगे, ताकि आपको ज्यादा हल ना करना पड़े, समीकरण का भी चयन ऐसे करना है ताकि आप वो सरलता से इसको हल कर पाओ। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहां पर x का मान
समीकरण किस में रख दूं, ये हमारा नंबर एक है और ये हमारा नंबर दो है, तो समीकरण मैं एक में रख देता हूं, चलो समीकरण में एक में रखने जा रहा हूं, तो एक से कमान किस में रख दूं, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। चलिए तो एक से कमान जब हम समीकरण एक में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ठीक है ये हमारा समीकरण नंबर एक, तो टू और एक से कमान हमने निकाला हुआ है तो गुणा में है क्या एक, तो यहां पर ये आ चुका एक, फिर क्या था माइनस वाई इज इक्वल टू हमें मिल चुका जीरो, यहां तक की बात क्लियर है सर। दो का गुणा करेंगे एक से तो ये हो जाएगा दो, फिर ऋण वाई अपने जगह पर लिखा जाए बराबर हो जाएगा जीरो, हमें निकालना है वाई का मान तो वाई होना चाहिए धन में, तो वाई को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा दो, यानी कि वाई बराबर हमें मिल चुका दो, वाई का मान क्या मिल चुका बच्चों दो मिल चुका, और वाई क्या था ये था इकाई का अंक, अतः हम संख्या को भी ज्ञात कर लेंगे, हमें निकालना क्या था दो अंकों वाली संख्या को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, तो tan x प्लस y, इसी जगह हम x और y का मान रखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आ जाओ अतः दो अंकों वाली संख्या, ठीक है आ जाओ अतः दो अंकों वाली संख्या, अतः दो अंकों वाली संख्या, चलिए तो दो अंकों वाली संख्या को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, मैंने आपको एकदम डिटेल से उसको बताया था, ठीक है बच्चों क्या होता है tan x प्लस y, x और y का मान हम यहां पर रखने वाले हैं तो ये हो जाएगा tan, x का मान हमने निकाला हुआ था एक प्लस ये हो जाएगा y का मान था दो, तो 10 और एक ये हो जाएगा 10 एकम 10, फिर ये हो जाएगा धन दो, यानी कि बराबर 12 हमें मिल चुका, अतः दो अंकों वाली संख्या कौन सी है 12 है, हमें जो निकालना था वो संख्या कौन सी है 12 है, देख लीजिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अतः दो अंकों वाली संख्या 12 है। लास्ट लाइन में इस बात को भी लिखना पड़ेगा, आ जाओ इसको भी लिख देते हैं, अतः अभीष्ट दो अंकों वाली संख्या 12 है, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सारा चीज एकदम स्टेप टू स्टेप आपको लिखना है, हर चीज को फॉलो करना है, एक स्टेप भी आपको छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है, हर एक चीजों को लिखना है। आई होप बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी तरह से आपको डाउट रहा होगा इस क्वेश्चन में, समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को और करा दिया है, और साथ ही साथ हमने विलोपन विधि और हमने प्रतिस्थापन विधि को एक बार और रिवाइज कर लिया, एक बार और सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं आलेख विधि से कैसे हम समीकरणों को हल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तक शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।